ये तो कल भी ऐसे ही जार के साथ खड़ा था जब मैं इससे टकराया था। मुझे तो लगता है यही च्यवनप्राश फैला रहा है जादू भारत नगर में। लेकिन बुलबुलों से ऐसा जादू? ये तो सलमान भाई के भी सिलेबस से बाहर है। किसी बड़े की हेल्प लेनी पड़ेगी। अंकल, 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 अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए। अंकल, अंकल, ये तो स्कूटर पे बैठे बैठे सो गए। सब बड़े सो गए, सब बच्चे गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ये बात तो ना दिल में आ रही है ना समझ में। जोर से बोलो जय माता दी, मन बसुन बोला जय माता दी, दो रात बोला जय। किरपड़े अंकल तो जाग रहे हैं। अरे सारे बोलो जय माता दी, अरे जो रात बोला जय माता दी, सगड़े बोला जय माता। अंकल, अंकल आपको पता भी है इस कॉलोनी में क्या हो रहा है? धो रहा है कौन, किसको धो रहा है? अरे मुझे घर जाते वक्त 1 किलो तोरी लेनी है। क्या तोरी लेनी है आपको? तोरी लेनी तो मैं क्या करूँ? वैसे जब मैं चंदा लेने गया था। गंदा कर दिया। अरे तू हर काम गंदा करता है। चंदा का क्या हुआ? चंदा का क्या हुआ? चंदा मिला कि नहीं? चंदा, अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। वैसे विवान, जिंदगी में पहली बार तूने कोई ढंग का काम किया है, शाबाश शाबाश। अरे चंदा चंदा शाबाश शाबाश। अरे एक ऐसे के झोपड़े, ए झोपड़े वाले की क्या? ए अरे मुझे स्त्री वाले से कपड़े लेने। ओ भाऊ, अरे उठा भाऊ, अरे सो के रहे हो, सामान तो उतरेगा। ओ भाऊ, अरे भाऊ उठा ना। ये सब तो सो गए सब, मुझे और गिर पड़े अंकल को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा? इसका मतलब हम दोनों इसलिए बच गए क्योंकि अंकल के कान में ईयरफोन्स है और मेरे कान में रुई। ये अंकल भी नींद में नहीं है, मैं अभी जाके इनसे मदद मांगता हूँ। अंकल, अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। एक गेंडे नीचे उतर मुझे। अंकल चलो ना प्लीज, इस मोहल्ले में एक लड़का वो गड़बड़ी फैला रहा है। ये तो वही लड़का है जी, मैं तो आ रहा है यही कचुम्बर बना दूं उसका। अंकल ऐसे घूर के रहे हो, पहले कभी हैंडसम लड़का नहीं दिखा क्या? नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। हाँ तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो ना अंकल, वहाँ एक लड़का है वो जादुई म्यूजिकल बुलबुले छोड़ रहा है जिसे सुनकर सारे बच्चे उसकी तरफ गार्डन में खींचे चले जा रहे हैं और सारे बड़े सोए जा रहे हैं। जादुई बुलबुले, ये पक्का बालवीर ही होगा। देखा कितनी प्यारी ध्वनि मिलाई है मैंने बुलबुलों में। हाँ ध्वनि पुरी, अगर तुम परी ना होती ना तो पक्का धरती पे संगीत निर्देशक होती। इनमें से कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी, कैसे पता लगा?
बालवीर, ये निशान वाला लड़का नहीं मिल रहा तो तुमने अपना निशान ही उड़ा दिया। इतनी जल्दी हार नहीं मानते? हार नहीं मान रहा हूँ मस्ती परी। अब ये निशान खुद मेरा उत्तराधिकारी ढूंढेगा। अभी चलो ना। चलो चल चल चलो। वैसे तो उस लड़के के लिए मैं अकेला ही काफी था। मसल देखी है मेरी, उधर ही मसल के रख देता। पर क्या है ना, वहाँ कुछ लेडीज लोग भी थी और सलमान भाई कहता है कि लड़कियों पे वार नहीं करना चाहिए, बस प्यार करना चाहिए। पर आप रुक क्या गए? चलो। लड़कियाँ? हाँ, कुछ 5-6 लेडीज थे, वो सब छोड़ो अभी चलो। मतलब परियां भी साथ में ही है, अभी जाना खतरनाक हो सकता है। नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं भी नहीं जा सकता, मैं चलता। अरे अंकल अंकल अंकल, रुको रुको रुको, लड़कियों का नाम सुनते ही काम याद आ गया आपको? लड़कियों से डरते हो क्या? हाँ? कितना बदतमीज बच्चा है। इतने हट्टे कट्टे हो कि लड़कियों से डरते हो? ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। पिछली बार भी इसी लड़के की वजह से बालवीर को पकड़ नहीं पाया था। ये लड़का बार बार मेरे और बालवीर के बीच में क्यों आ जाता है? अरे ये तारा तो और आगे चला गया। बच्चों में से भी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। ज्वाला परी, पानी परी, वायु परी, आप तीनों यहीं रुककर बच्चों पर नजर रखिए। तब तक मैं मस्ती परी और ध्वनि परी जाकर उस तारे का पीछा करते हैं। हाँ। चलिए। देखो अंकल, वो तो आप इतने मजबूत आदमी, तभी तो आपको बुलबुले का म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो अब तक तो आप कब का सो गए होते। लड़कियों से क्या डरना? वो बात नहीं है, मुझे कहीं और जाना है अभी काम से। देखो अंकल, मैं भी सलमान भाई की तरफ से एक ही बार रिक्वेस्ट करता हूँ और फुल एंड फाइनल उसी चीज पे अट जाता हूँ कि भारत नगर के बच्चों का सवाल है, उस जादूगर से तो आपको भिड़ना ही होगा। ये निशान तो इन बच्चों पे भी नहीं रुका। इन बच्चों में से भी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं था। आखिर मेरा उत्तराधिकारी है का? हट जा मेरे रास्ते से। एक बार जो मैंने रास्ते पे हटने की कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं अपने आप की भी सुन के नहीं हटता। बहुत हुआ तेरा। वाह विमान, क्या कैच पकड़ा है यार, क्या छुपा हुआ टैलेंट है। पर फिर भी लोग फालतू में बालवीर बालवीर चिल्लाते रहते, अपने टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। अजीब लोग आ गए भारत नगर में, एक म्यूजिकल बुलबुले उड़ा रहा है, एक धक्का देके मुझे उड़ा रहा है। अंकल, मुझे ऊपर क्यों फेंक दिया? अरे नीचे तो उतारो। तू वहीं ठीक। अंकल नीचे तो उतारो। अंकल कोई है? अरे हाथ पर कुछ ऐसा निशान होगा। यह जरूर बालवीर का छोड़ा हुआ तारा है। यह तारा तो अगले उत्तराधिकारी पे ही जाके रुकेगा।
भाऊ, अरे उठा ना भाऊ, सोते गए? अरे सब लोग सो क्यों रहे हैं? याद नहीं कैसे जगा हुआ, इस पर ध्वनि का असर क्यों नहीं हुआ? तारा तो गायब हो गया, अब कैसे पता चलेगा उत्तराधिकारी का? ये बच्चा बनेगा बालवीर, ये बचाएगा दुनिया को। अरे इसको मुझसे कौन बचाएगा? हमें जल्द से जल्द बाकी परियों को सावधान करना होगा। हाँ चलो जल्दी। ओ काका उठा। गिर पड़े अंकल। ये परियां ना होती तो इसे अब भी खत्म कर देता। प्लीज मुझे नीचे उतारो ना। एक अरे अंकल हेडफोन मत निकालना वरना आप भी सो जाओगे। नीचे नीचे मुझे उतारिए नीचे। अरे नाक पट लो रे। अरे तू वर्ती क्या करतो है? दहीहंडी तो कभी के खत्म हो गई। जाओ दे चल खाली है, मैं कैच करतो, मुझ पे काली शर्ट बहुत जचती है। पक्का अंकल कैच कर लोगे ना? हाँ मैं घबरा ना कुछ। अरे बचपन में मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, हाँ और कैचिंग में तो एक नंबर था। लेकिन इतनी बड़ी बॉल कभी पकड़ी नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में क्या है, प्रयत्नार्थी परमेश्वर। ये खाली है, मैं पकड़ तो तुला। ये अंकल छोड़ना मत प्लीज। ये घबरा ना को, गिर पड़े आए ना, तुला पड़ून नहीं देना। हमें इस बुलबुले का जादू खत्म करना होगा। मस्ती परी क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ ध्वनि परी मुझे भी यही लग रहा है। कितने दिन तक बचाएंगी ये परियां इसे? बहुत कम सांसें बची हैं तेरी। थैंक यू अंकल। वेलकम वेलकम। कानून के हाथ लंबे होते हैं ये तो पता था, लेकिन इतने मजबूत होते हैं ये आज पता चला। क्या झकास कैच पकड़ा ना मैंने, नहीं भारी गिर पड़े। शाबाश शाबाश। क्या हुआ? झूले अरे क्या करता है अंकल? कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है भारत अगर में। एक अजीब से आदमी ने मुझे ऐसे धक्का दिया कि मैं उठता हूँ सीधा ऊपर उधर रेलिंग के जाके लटक गया। क्या बोलते उस? हाँ कौन है वो आदमी? यही कहीं खड़ा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
क्या बहरा जा आप भी, मुझे ये गले का पट्टा बांधने में थोड़ी देर क्या हो गई, आप तो मुझे अकेला छोड़ के निकल लिए। अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। मुझे पता है आप क्या सोच रहे, आपको अपनी नाकामी की खबर तिमनासा को देने के लिए आपकी जरूरत है। रुकिए, ये देखिए मैं आग निकालने वाला यंत्र ही लेके आया आपके लिए, लीजिए। अंकल इस मोहल्ले में एक लड़का है, वो जादू कर रहा है। आपने देखा ना सारे बच्चे कैसे गार्डन की तरफ जा रहे थे और सारे बड़े सो गए थे। देख ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ, सब लोग एक साथ क्यों सो रहे हैं। अरे बटाटे 22 रुपए किलो चले। जादू की वजह से अंकल। जादू की वजह से बटाटे 22 रुपए किलो कैसे होंगे। मैंने खुद देखा है, वो लड़का कुछ जादुई म्यूजिक वाले बुलबुले छोड़ रहा है जिसे सुनकर ये सब हो रहा है। अच्छा, मुझे जादू कानून से डर गया इसलिए मैं बच गया। बरेजले वासलो, लेकिन तू तो कानून नहीं है। क्योंकि मेरे कान में रुई थी और आपके कान में ईयरफोन। और इसलिए हम लोगों ने वो म्यूजिक नहीं सुना और हम बच गए। कौन है रे वो जो गिर पटे के एरिया में जादू कर रहा है? हा? अरे दूधी की सब्जी देश में बैन करनी चाहिए। दूधी? नहीं मतलब, चलो ढूंढते हैं उसे। वही जो सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस रहे होंगे। मैंने बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया है। शाबाश भैमार, शाबाश। क्या खबर सुनाई है तुमने। मैं कहती थी ना तुमसे भैमार, कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते और आज तो तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छे लग रहे। इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है। अब इससे पहले कि तुम कोई बेवकूफी करो मैं धरती पर आ रही हूं। कोई मूर्खता मत करना। क्या चल रहा है मेरे मोहल्ले में? तू वही है ना उस दिन जो लड़ाई मारपीट करके भागा था, आज क्या जादूगिरी फैला रहा है? मैं आलू के पराठे बिना मक्खन के नहीं खाता। मैंने कब आपका मक्खन चुराया? नहीं नहीं, ओए लो, ये तो अलग बात है कि आलू के पराठे बिना मक्खन के नहीं खाते, लेकिन तुम इस मोहल्ले में जादू कर रहे हो, मैंने खुद देखा है। अपने इस जादुई बुलबुलों से बच्चों पर जादू कर और बड़ों पर भी। ये लड़का मेरी कुंडली में मुसीबत बन के आया है। शाबाशी दे क्या बेवकूफ कौन बोलता है, ये बहरानी समझती है क्या अपने आप को? अरे आपको बेवकूफी करने से मना कर दिया मतलब आपको कुछ भी करने से मना कर दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तिन्ना सा सोचती है आपके बारे में। अब जब तक वो यहाँ नीचे नहीं आएगी आप क्या करेंगे? यहाँ भंगार बेचेंगे फिर से? मैं वही करूंगा तौबा तौबा जो मुझे करना चाहिए। मैं काल लोक का सेवक हूं, तुम नासा का नहीं। मैं वही करूंगा जो काल लोक के लिए ठीक होगा। बराबर। मैं तुम नासा के यहाँ आने से पहले बालवीर के उत्तराधिकारी को मार दूंगा।